रीता मैम ही हमेशा मेरे पीछे पड़ी रहती थी और मुझे ही क्लास के सामने पनिश करती हैं। मैं उनकी क्लास इसीलिए बंक करता हूँ क्योंकि वो मुझे बहुत ज्यादा ह्यूमिलेट करती है। मैम मैं सच बोल रहा हूँ, मेरी कोई गलती नहीं है। करिश्मा सिंह, हमें नहीं लगता कि आरुण झूठ कह रहा है, ये सच कह रहा है। मैडम सर आप जज्बाती हो रही हैं, ये गलत है। नहीं हम जज्बाती नहीं हो रहे, हमारा जो एक्सपीरियंस है उसको एनालाइज करके हम कह रहे हैं। हो सकता है कि रीता मैडम के बालों में च्युइंगम किसी और बच्चे ने लगाई हो सकता है कि ये सब कुछ सच कह रहा हूँ। पहले हमें सच्चाई का पता लगाना होगा और तब तक के लिए आपके और हमारे बीच की ये शर्त कैंसिल हो गई है। करिश्मा सिंह प्लीज अंडरस्टैंड, ये ज्यादा जरूरी है। बिल्लू जी। मैडम सर तुम बच्चे से सबसे ज्यादा कनेक्टेड हो इसलिए अब ये बच्चा सच बोल रहा है। क्या है इसके पीछे की असलियत, क्या है इसका पता तुम लगाओगे। ठीक है इसके स्कूल जाओ, पता लगाओ कि इसकी बातों में कितनी सच्चाई है। हाँ मैडम सर। ओके संतोष शर्मा, चीता आप दोनों को ये पता लगाना है कि 2 साल पहले इस बच्चे के साथ जो हुआ था उस बात में कितनी सच्चाई है। बाकी इसके गले में च्युइंग गम फंसी थी या ये ड्रामा कर रहा है। जी, जी मैडम सर। जय हिंद। आर्यन के पेरेंट्स से तो ये कन्फर्मेशन मिल गया है कि हाँ 2 साल पहले उसके साथ ये इंसिडेंट हुआ था, बस मैडम सर को बताना है। संतोष जी हम का कह रहे हैं कि थाना तो जाना ही है। देखिए ना कितना गर्मी का माहौल है, यहाँ पास में ही ना एक बड़ा बेहतरीन गन्ना का जूस पिलाता है और पिछला कई दिनों से हम लोग इतना काम में बिजी हैं कि एक दूसरे के साथ समय बिताने का मौका ही नहीं मिला। हम कहते हैं चलिए ना वहाँ पर जूस पी कर आते हैं। हाँ कोई नहीं होगा, हम आप और गन्ना का जूस बस। फुआ, आप यहाँ क्या कर रही हैं? बक्सी भैया होते तो पहले ये कहते हम जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं, सवाल ही रहा कि तुम लोग ही का कर रहे हो सरे आम। क्या 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 का कर रहे हैं? भौजाई रहा ना ही, भौजाई का हाथ पकड़ता है कोई भरे बाजार में, लाज शर्म कुछ है कि नहीं? एक मिनट कहीं इसके पति के पीछे तुम दोनों का लौ लपाटा तो नहीं चल रहा है? इसके पति को मारकर उसकी लाश तुमने फ्रिज में तो नहीं रखी है? और हमें कहा है इसके पति नेवी के टूर पे गए हैं, क्यों? लाश? क्या 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 बोल रही हैं आप बिफुआ, ऐसा 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 थोड़ी होता है। होता है होता है, हमने किताबों में पढ़ा है इसी तरह पत्नी अपने प्रेमी से मिलकर पति को गायब कर देती है। ऐसा नहीं है फुआ, संतु जी के पति जो है चंपक चिरौंडिया जी बहुत बेहतरीन है, एकदम बढ़िया है। कल ही डॉल्फिन के साथ फोटो भेजे अपना, ऐसे बैठे हुए थे डॉल्फिन के ऊपर दिखा दिया। डॉल्फिन के ऊपर? तू उसके पत्नी के साथ यहाँ गुलछर्रे उड़ा रहे हो? क्या 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 बात कर रही है फुआ, ऐसे कैसे गुलछर्रे उड़ा रहे हैं? बस हम तो इनका मदद कर रहे थे सड़क पार करने में। सड़क पार करने में क्यों, ये खुद नहीं देख सकती? नहीं इनके आंख में इन्फेक्शन हो गया है, धुंधला धुंधला दिख रहा है। जी बुआ जी वो पता नहीं क्या इन्फेक्शन हो गया, एकदम ऐसे धुंधला धुंधला दिख रहा है, तो देवर जी डॉक्टर के पास ही लेकर जा रहे हैं। बक्सी भैया होते तो इतने आसानी से यकीन नहीं करते, ठोकते बजाते फिर यकीन करते। अब और कितना ठोकेंगी बजाएंगी फुआ? रुको दोनों यहीं पे रुको, आ रहे हैं। कैसे क्या करने वाली हूँ बुआ जी? क्या क्यों हम कुछ समझ, इनके सामने आते हमारा सिट्टी पिट्टी घूमे। आगे बुआ जी। कहाँ गई थी बुआ? क्या हुआ बुआ जी? क्या नाम बताया इसके पति का? चंपक चिरौंडिया। चंपक चिरौंडिया। आधा पौना तसल्ली तो हो गया है हमरा, अब पूरा तसल्ली घर में होगा। घर पे क्या होगा फुआ? जब तुम इसके पति से हमारी वीडियो कॉल पे बात कराओगे तभी यकीन करेंगे। बात कराना आज ही, तभी यकीन करेंगे चंपक जिंदा है और तुम दोनों में कोई गुलू गुलू नहीं चल रहा है। देखो फोन की घंटी बजी, हवालदार ने फोन उठाया,
जानलेवा बुआ ही, जानलेवा बुआ ही संतोष। सुन, एक तो डॉल्फिन के साथ फोटो, ठीक है? दूसरा चंपक चिरोडिया के साथ वीडियो कॉल करवा देना, ठीक है? सॉरी सॉरी, अरे जूस तो पी ली, जूस पी, हमारा जिंदगी का मिक्स फ्रूट जूस हो गया। मैडम सर, आप बेफिक्र रहिए, आई एम द बिगेस्ट स्पाई, जिसके पीछे पड़ जाए उसके मुंह से निकले हाय हाय, आई एम द बिगेस्ट स्पाई, पूरी सच्चाई मूली की तरह जड़ से उखाड़ के आपके सामने पेश कर दूंगा। बिलू द स्पाई और एक बिलू द स्पाई पैदा होने नहीं देगा। मैडम सर, होल्ड हेलो बेटा, मैं तीन नया अपॉइंट हुआ हूँ आपके स्कूल में। अपॉइंट किया है मुझे, कैन आई हेल्प यू, मे आई? यस, थैंक यू। आर्यन को जानते हो? हाँ, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। आर्यन कुमार तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड? ये तुम्हारे क्लास में ही पढ़ता है ना? हाँ। तो तुम्हें क्या लगता है ये रीता मैम के बाल पे चिंगम किसने चिपकाया होगा आर्यन पे? मुझे नहीं पता, पूरी क्लास में चिंगम सिर्फ बंटी खाता है, यानी कि मैं। बहुत ही होनहार बच्चा है, माँ बाप का नाम रोशन करेगा। ए, खुल गया। ए, पानी नहीं भरना है? नहीं, मुझे तो खाली खोलना था। बिल्लू, एक काम करो, आर्यन के क्लासरूम में जाओ और वहां जाकर सच्चाई का पता लगाओ। देखो आर्यन सच बोल रहा है या उसकी वो जो रीटा मैडम है वो खामखा उसे परेशान करती है। अभी पता करता हूँ। I'm Billy the Spy. मैडम सर, यहाँ जो भी हो रहा है मैं डायरेक्ट रिकॉर्ड कर रहा हूँ। हाँ, गुड गुड, वेरी गुड। नाउ ओपन योर टेक्स्ट बुक। Who is it? Who dares to talk in my class? Who? Aryan? Get up. I know ये तुम ही हो आर्यन, क्योंकि तुम ही हमेशा क्लास में शोर मचाते हो। मैडम सर, क्लास में और कोई बात कर रहा था लेकिन जिम्मेदार सिर्फ आर्यन को ठहरा है। कम हियर, आई सेड कम हियर। शो मी योर हैंड। नाउ यू विल अंडरस्टैंड कि मेरी क्लास को डिस्टर्ब करने का क्या रिवॉर्ड मिलता है। I said, show me your hand. टीचर आर्यन को रूलर से पीट रही है। पियोन, पियोन। जी मैडम। ये रूलर टूट गई है, नई लेकर आओ। तुम क्या सोच रहे हो, उठाओ और नई लेकर आओ। बिल्लू को तो रूलर का फोबिया है। बिल्लू सुनो, संभालो अपने आप को, ठीक है? काम डाउन, इस वक्त तुम बिल्कुल भी पैनिक नहीं हो सकते। सुनो, ये बहुत अच्छा मौका दिया है तुम्हें जिंदगी ने अपने डर पर काबू पाने का, इसलिए वो रूलर उठाओ और जाओ। कम ऑन कम ऑन बिल्लू, हमें तुम पर पूरा भरोसा है, तुम ये कर सकते हो। रूलर उठाओ, जाओ, अपने डर पर काबू पाओ, इससे अच्छा मौका तुम्हें दोबारा कभी नहीं मिलेगा। अगर आज तुमने अपने डर पर काबू नहीं किया तो जिंदगी भर डरे हुए ही रहोगे। तुम चाहते हो ऐसे जीना? नहीं ना, उठाओ रूलर और जाओ। कमान, तुम कर सकते हो बिल्लू। बिल्लू ओके, सुनो, बात ध्यान से सुनो। आर्यन फिलहाल तुम्हें देख रहा है, वो तुम्हें देखकर सीख रहा है, समझ रहा है। आज अगर उसके सामने तुमने अपना डर कायम रखा ना,
तो वो भी जिंदगी भर डरा हुआ ही रह जाएगा और इसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम होगे। तुम्हें कहा था ना अभी बिल्लू थोड़ी देर पहले कि तुम एक और बिल्लू नहीं चाहते, तुम उस डर पर काबू पाना चाहते हो, तो प्लीज कम ऑन, हिम्मत करो, रूलर उठाओ और जाओ। उठा ली मैडम सर, आपने मुझे अपने डर से जिताया है। इतने सालों के बाद मैं अपने डर से आजाद हो गया हूँ मैडम सर। नहीं नहीं, हमें शुक्रिया मत करो, ये जो कुछ भी किया है तुमने किया है। तुम्हारे अंदर इस बच्चे की मदद करने का जो जज्बा है ना, उसने तुम्हारे इस डर को बाहर निकाला। सच में तुम बहुत अच्छे इंसान हो बिल्लू, आई एम प्राउड ऑफ यू। अब बस आर्यन को उसके डर से हमें जिताना है मैडम सर, उसको निर्दोष साबित करना है। बिल्कुल। गेट अप आर्यन, कम हियर, शो मी योर हैंड, नाउ यू विल अंडरस्टैंड कि मेरी क्लास को डिस्टर्ब करने का क्या रिवॉर्ड मिलता है। तो अब क्या कहेंगे करिश्मा सिंह, अब भी आपको ऐसा लगता है कि आर्यन झूठ कह रहा है? नहीं मैडम सर, गलती हमारा है और हमें अफसोस है इस बात का कि हमने गलत समझा, पर हमें बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा है कि कोई टीचर ऐसे कैसे कर सकता है। आर्यन एक बात बताओ, तुम्हारी टीचर हमेशा से तुम्हारे साथ ऐसा बिहेव करती थी? थर्ड स्टैंडर्ड से रीता मिस मुझे पढ़ाने लगी, मेरी हैंडराइटिंग बहुत खराब थी, रीता मिस को मेरा लिखा हुआ कुछ नहीं समझता था, इसलिए उन्होंने मुझे डांटना शुरू कर दिया। क्लास के सब बच्चे मेरा मजाक उड़ाते थे, मैं उनसे बहुत डर गया था, इसलिए जब उनका पीरियड होता था मैं स्कूल के बाथरूम में जाकर छिप जाता था। धीरे धीरे मुझे हर बात पे डांटने लगी, मेरी गलती भी नहीं होती थी फिर भी मुझे डांटती थी। यही तो है प्रॉब्लम की जड़। रीटा मैडम ने ये मान ही लिया कि इसकी हैंडराइटिंग खराब है इसलिए पढ़ाई से भागता है, सारी शैतानियां बस यही करता है, बाकी सबको भी डिस्टर्ब यही करता है। रीटा मैडम ने आर्यन के खिलाफ अपने मन में एक धारणा बना ली, काश कि उन्होंने थोड़ा सा पेशेंटली इस सबको हैंडल करने की कोशिश की होती, इसे प्यार से समझाने की कोशिश की होती कि दरअसल ये बच्चा है बहुत होशियार, बस हैंडराइटिंग थोड़ी सी खराब है जिसमें तो सुधार लाया जा सकता है। अगर उन्होंने ऐसा किया होता ना तो बात इतनी बिगड़ती ही नहीं। बच्चे और टीचर के बीच का रिश्ता जितना पॉजिटिव होता है ना, बच्चा बड़ा होकर उतना ही ब्राइट निकलता है। तजुर्बा कहता है हमारा, बच्चे भगवान की दी हुई वो एक खूबसूरत पेंटिंग की तरह है जिसमें रंग भरने का काम माँ बाप और टीचर का होता है, एक गलत रंग पेंटिंग खराब, और यही बात अब हमें रीटा मैडम को समझानी होगी। पर कैसे मालूम सर? कुछ सोचा है हमने, देखते हैं काम करता है क्या। एक काम करो, इसके स्कूल की जो प्रिंसिपल है उनसे हमारी बात करवाओ। जी मालूम सर। सुपाप करो, व्हाट इज योर डायरेक्शन एंड डायरी? मैं करिया अम्मा से स्पेशल रिक्वेस्ट लेकर आ था, मुझे मेरा इंग्लिश इम्प्रूव करना होता ना, अब अगर कल को मुझे हॉलीवुड मूवी मिलता तो मेरा इंग्लिश अच्छा होना पड़ता ना, है ना? लापरवाह समझाया ना सबको? अरे बेहतरीन तरीके से समझा दिए। टीचर आ गई। आइए। थैंक यू, सिट डाउन। गुड मॉर्निंग टीचर। गुड मॉर्निंग। सो जैसा कि आप आई एम टाइपराइटर क्या? ठीक है, तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मुझे मेरे स्कूल ने आपकी इंग्लिश स्पीकिंग इंप्रूव करने के लिए भेजा है। अपनी कॉपीज निकालिए। इंग्लिश लैंग्वेज में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है प्रोनोसिएशन। रॉन्ग टीचर, तुम रॉन्ग बोलता। अरे भाई
क्या गलत बोला? प्रोनाउंसिएशन होता है, प्रोनाउंसिएशन नहीं होता। मैडम संभाल के बोलिएगा, कहीं कॉन्स्टिपेशन ना बोल दे। आप लोगों को इंग्लिश के अल्फा बूट तो आते ही होंगे। मैडम बूट तो हमारे पैर में आते। वैनिला आइसक्रीम, इनको अल्फाबेट नहीं, इनको अल्फा बूट सुनना होता। इनको इतना भी इंग्लिश नहीं आता। एक सेकेंड मैम से पूछ लेते, मैम सच में टीचर तो है ना? अरे एक मिनट, अरे कैसा राक्षस है यार तुम लोग, कहाँ से रहो तुम लोग, चुप रहो। अरे सरकार भेजा है इनको भाई, सरकारी आदेश से पढ़ना तो पड़ेगा ना। मानते हैं कि सारा टीचर लोग एक जैसा नहीं होता है, कुछ टीचर लोग करप्ट होता है, ऐसे चीटिंग करके पास हो जाता है। चीटिंग कुछ टीचर लोग होता है ऐसा। अरे अब जब टीचर पढ़ा रही है तो पढ़ना तो पड़ेगा ना। एक सेकेंड सुनिए, आप ना ये कीजिए, बी हैव अल्फा बूट, टीचिंग आपके बस की बात नहीं है। वहां जाके प्रोनाउंसिएशन करना, यू इल मैनर्ड। निकल निकल, प्लान हो गया है। ए तू भी निकल, चल मुंह पे बेइज्जती, एक बार चल। अरे यार संतु जी आपको क्या हो गया, आप इससे काहे उदास हो गई? जैसी भी हो पर है तो टीचर ना वो चीते, उनके साथ ये नाटक करके बुरा लगा। वो टीचर है, ये बात उनको भी तो याद रहना चाहिए ना संतु जी, पर वो तो भूल गई है। नहीं, एक शिक्षक का क्या कर्तव्य होता है कि उसका छात्र जो कोई गलती कुछ करे तो टीचर उसको सिखाए, उसको समझाए, ना कि उसको मारे। इनको यही बात याद दिलवाने के लिए ना मैडम सर हम लोग से ही सब करवाई है। पॉइंट मैडम, मैडम ये आपने मुझे कहाँ भेज दिया? सबके सब लोग इतने रूड और जंगली है वहां पर, बात बात पर इंसल्ट करते हैं, मेरा मजाक उड़ाते हैं। मिस रीता रिलैक्स, कम डाउन, बैठिए। डीएसपी साहब के ऑफिस से डायरेक्ट रिक्वेस्ट आई है कि थाना स्टाफ का इंग्लिश अपग्रेड करना है, इसीलिए आपको वहां भेजा गया था। क्या कोई बात हुई है? मैम आप ये बात अच्छे तरीके से जानती हैं कि मैं इंग्लिश के अलावा भी और भी सब्जेक्ट पढ़ा लेती हूँ और सारे सब्जेक्ट में परफेक्ट हूँ। किसी में गोल्ड मेडलिस्ट हूँ और किसी में मैं स्कूल को स्टेट लेवल पर रिप्रेजेंट कर चुकी हूँ। मैं मानती हूँ कि मेरा इंग्लिश का प्रोनाउंसिएशन उतना अच्छा नहीं है, लेकिन उसका ये मतलब तो नहीं है ना कि मेरी इस तरह से इंसल्ट की जाएगी। ये बिल्कुल गलत है। अच्छा और आपने आर्यन के साथ किया वो सही था, फेयर था? हैंडराइटिंग खराब होने की वजह से आपने ये धारणा बना ली कि आर्यन एक शरारती बच्चा है, बाकी सबको डिस्टर्ब करता है, पढ़ाई करने से भागता है, और आपने उसको इतना ह्यूमिलेट किया। आपके साथ थाने में एक दिन जो बर्ताव हुआ उसकी वजह से आप डिप्रेशन में चली गई। आपने सोचा है कि उस छोटे से मासूम से बेकसूर बच्चे के साथ आप रोज ये करती हैं? प्यारा सा बच्चा है, सॉफ्ट है, सेंसिटिव है, सोचा है उस पर क्या बीतती होगी, आप क्या करती आई हैं उसके साथ? आप सही कह रही हैं मैडम, आज जब ये सब कुछ मेरे साथ हुआ तो मुझे एहसास हुआ कि आर्यन को हर रोज कैसा महसूस होता होगा। मैंने उसे समझने में बहुत बड़ी गलती कर दी, मैंने उसे गलत समझा। जैसे हमने समझा, और आर्यन जैसे कई बच्चों के लिए हम गलत धारणाएं बना लेते हैं, उन्हें समझने का प्रयास नहीं करते हैं। शिक्षक जो होता है ना वो माली होता है, उसके हाथ में छोटे छोटे नन्हे नन्हे पौधे होते हैं, थोड़ा सा भी चूक होता है ना तो पौधे जो होते हैं वो मुरझा जाते हैं। आप माने या ना माने लेकिन गलती इधर आपका हुआ है। शायद इसीलिए रीता मिस से नाराज होकर आर्यन ने मिस रीता के बालों में च्युइंगम चिपकाने जैसी गंभीर हरकत कर डाली। देखिए दरअसल आर्यन ने च्युइंगम नहीं चिपकाया, इनके बालों में च्युइंगम चिपकाने वाला और कोई नहीं, आर्यन का क्लासमेट बंटी है। विश्वास नहीं होता, मेरे पास सबूत है, एक मिनट ये देखिए। तुम्हें क्या लगता है ये रीता मैम के बाल में च्युइंगम किसने चिपकाया होगा आर्यन पे? अरे वो च्युइंगम आर्यन ने नहीं, मैंने चिपकाया था रीता मिस के बालों में, क्योंकि आर्यन मेरा बेस्ट फ्रेंड है ना,
और रीटा मिस उसको रोज सताती रहती है। मैडम मैं चोर था लेकिन अब सुधर गया हूँ। आपको पता है मैं चोर क्यों बना? सही दिशा दिखाने वाला मार्गदर्शक नहीं मिला, अच्छा टीचर नहीं मिला। आप तो जानते हैं अपने यहाँ हर रोज हजारों स्टूडेंट्स स्कूल से ड्रॉप आउट होते हैं, कुछ निकल जाते हैं कुछ निकाले जाते हैं, कारण पढ़ाई से अलगाव। काश कोई इस अलगाव का कारण समझकर उसको सुधारने की कोशिश करता तो हम जैसे बिल्लू चंपत नहीं बन पाते। मुझे आर्यन से माफी मांगनी चाहिए। एक मिनट बेटा, आर्यन आजा बेटा। आई एम सॉरी आर्यन, मुझे माफ कर दो बेटा प्लीज। थैंक यू, आप लोग भी मुझे माफ कर दीजिए और मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आपने मुझे मेरी गलती का एहसास करवाया। देखिए सच बात तो यह है कि इस पूरे मामले का क्रेडिट किसी और को जाता है, बिल्लू चंपत। बिल्लू ने अगर जिम्मेदारी की तरह आर्यन को अपना दोस्त बनाकर इस तरह के बच्चों के साथ हो रही मुश्किलों से हमें रूबरू नहीं किया होता तो हम शायद इस केस की सेंसिटिविटी को इतनी गहराई से समझ नहीं पाते और ना आपको समझा पाते। इसलिए अगर कोई असली हीरो है तो वो है बिल्लू चंपत। जी बिल्कुल, और इसलिए इस बार का सैल्यूट सिर्फ और सिर्फ बिल्लू चंपत के लिए।